साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी सूचना आप लोगों के लिए कि जैसे अपने टीएचएसएल होता है ना, ट्वेल्थ क्लास के लेवल का एसएससी कराती है, वैसे ही बिहार के लेवल पर ऐसी वैकेंसी सिविल की जो पुलिस की नहीं होती, टीचिंग की नहीं होती, जो बाकी डिपार्टमेंट की होती है जिनमें ट्वेल्थ क्लास क्वालिफिकेशन होती है, तो लगभग 11,000 से अधिक वैकेंसी का यह विज्ञापन आज बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने। विज्ञापन संख्या 2/23/2023, ये आवेदन की अंतिम तिथि ये 11 नवंबर है और आवेदन शुरू कब से होंगे, 27 सितंबर से। तो 27 सितंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जितने फॉर्म होंगे उसके बाद में इसकी परीक्षा होगी ऑनलाइन, इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये द्वितीय इंटर स्टेट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, तब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें सबके बारे में बता रखा है कि किस डिपार्टमेंट में कौन से क्या कितने पद हैं, जैसे लोअर डिवीजन लिपिक क्लर्क जिसको कहते हैं, जो रोड निर्माण विभाग होता है, पथ निर्माण, इंटरमीडिएट या समकक्ष लेवल 2, ये लिपिक जो मद्य निषेध शराब को रोकने वाला विभाग होता है, ये भी गृह विभाग आरक्षी शाखा, तो लिपिक लेवल की इंटरमीडिएट या समकक्ष, किसी में हिंदी टंकण ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर संचालन भी आना चाहिए, किसी में कंप्यूटर संचालन ही आना चाहिए केवल, किसी में तकनीकी योग्यता, मतलब जो भी एक्स्ट्रा है वो यहां पर उन्होंने बता रखी है। तो आप सबसे पहले बिहार का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है बीएसएससी गूगल पर डालोगे तो आपको ये फॉर्म सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा पद कौन कौन से, तो यहां पर सारे के सारे, किस किस विभाग में कितने, फाइल एरिया निरीक्षक, इसमें लेवल 2, 10+2 विज्ञान से हो, फाइल एरिया इंस्पेक्टर जो होते हैं लेवल 4 की वैकेंसी है, सहायक अनुदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा में हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आनी चाहिए, लिपिक, राजस्व कर्मचारी ये हो जाते हैं जो पटवारी वगैरह होते हैं वो सब, लेखपाल वगैरह जिसको कहते हैं, पंचायत सचिव ये भी केवल इंटरमीडिएट आनी चाहिए पंचायती राज विभाग में, पंचायती राज विभाग में, और ये लिपिक के पद है। इसके अलावा लिपिक के इसमें ज्यादा है, मतलब जो लेखपाल हो ये सारे के इसमें कुल मिलाके जो वैकेंसी है इनमें आप देखोगे तो 11,000 से अधिक, 11,800 कुछ के करीब ये टोटल पद है। किस कैटेगरी में कितने वो सब कुछ इसमें अच्छे से दे रखा है। बाकी रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है वो सब कुछ। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि ये साथी इन्होंने 27 से फॉर्म भरे जाएंगे, 27 तारीख से क्या भरे जाएंगे इनके फॉर्म, और 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ऑनलाइन फॉर्म होंगे। अब आ जाता है इस समय न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, ज्यादातर इसमें 12वीं है, कुछ में टाइपिंग इत्यादि भी आनी चाहिए, लेकिन ये जो बड़े बड़े पद हैं जिनको बच्चे ज्यादा भरते हैं, जैसे पंचायत सचिव, राजस्व विभाग इत्यादि में कर्मचारी, इनके लिए केवल इंटरमीडिएट है। उसके बाद में यहां पर आपका पूरा आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। उसके अलावा इसमें भर सब सकते हैं, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं दे रखा कि भर नहीं सकते, सारी की सारी चीजें। उसके बाद में इसने सबका यह बता रखा भी कितने किसमें क्या होगा, महिलाओं के लिए कितने पद हैं, कितने सब कुछ, आर्थिक रूप से कमजोर इन सबके लिए कितने। उसके बाद में क्या क्या रखा है, काउंसलिंग इसमें कुछ नहीं है, उम्र सीमा की बात हो रही है। उम्र सीमा ये याद रखिएगा, 1 अगस्त 2023 के आधार पर, 1/8/2023 पर कम से कम 18 और बाकी सबके अलग अलग, जैसे आप पुरुष हैं जनरल कैटेगरी के 37 वर्ष, महिलाएं जनरल कैटेगरी की 40, आप ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40, अनुसूचित जाति जनजाति 42 वर्ष, तो इसमें आयु भी खूब है, खूब 18 से 40 वर्ष आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में इसमें जो परीक्षा शुल्क है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसमें शुल्क क्या है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनको ₹540, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थायी निवासी 135, सभी श्रेणी के अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग 135, सभी श्रेणी की महिलाएं बिहार की स्थायी निवासी 135, बिहार राज्य के बाहर सभी पुरुष महिला ₹540, तो इसका ये फीस हो जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा होगा, यह भी आप जरूर करें। लेकिन परीक्षा शुल्क 9 तारीख तक ही जमा कर दे, 27 से 9 नवंबर तक, लेकिन लास्ट जो है वो 11 नवंबर है। अब इसकी जो नियमावली है, अगर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद में मुख्य परीक्षा। तो जाहिर सी बात है आवेदन तो इसमें 40,000 से ज्यादा ही आएंगे, तो इसमें प्री और मेंस दो होंगे। पहले साथी प्री होगा, इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर इसमें मेंस एक मुख्य परीक्षा होगी। चलिए उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा वस्तुवार प्रकृति की होगी, 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, मुख्य परीक्षा फिर अलग से होगी। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, जनरल जीके जिसको आप कह सकते हो, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता जांच जिसमें आपकी रीजनिंग आएगी, प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 150, हर एक के लिए 4 अंक, मतलब 600 अंक की आपको यह परीक्षा मिलेगी, 2 घंटा 15 मिनट की, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती, 25% इसमें निगेटिव मार्किंग है, यह भी आप लोग याद रखें। और सिलेबस इसमें इन्होंने बता रखा है, सामान्य अध्ययन में हमारे आसपास की जो कुछ हमारी घटनाएं दिन प्रतिदिन की होती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बिहार भारत पड़ोसी देशों के संबंध, इसमें आपको करंट अफेयर भी, करंट अफेयर में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमी, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, सामान्य विज्ञान और गणित में मैट्रिक स्तर, वही एनसीईआरटी 10th लेवल के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भूगोल सामान्य विज्ञान में दे रखी है, गणित, नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल, दशमलव और भिन्न जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, मतलब बहुत ही सिंपल सिलेबस। मानसिक क्षमता जांच में रीजनिंग में, इसमें आपके जो रीजनिंग के जनरल सवाल होते हैं वो सब, उसके बाद में इसमें प्रतिशत भी है, निम्न कितने अंक कम से कम, सामान्य वर्ग को 40, पिछड़ा वर्ग को 36.5, अत्यंत पिछड़ा को 34, अनुसूचित जाति जनजाति को 32, महिलाओं को 32, दिव्यांग सभी वर्ग 32। बाकी इसमें 27 तारीख से फॉर्म है, 11 तारीख लास्ट डेट है, bss.bihar.gov.in पर आप जैसे निर्देश हैं उन्हीं का पालन करते हुए आप फॉर्म भरिएगा, बढ़िया से, अच्छे से, फॉर्म में कोई गलती ना हो। 27 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, आज 19 तारीख है, और सिलेबस 150 क्वेश्चन, प्री में 600 मार्क्स की परीक्षा होगी, बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें पद है।